राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के केस में काफ़ी तरह के विवाद पहले भी हुए, लेकिन इस बार ये केस सिर्फ राज कुंद्रा से जुड़ा है। हाँ, ये बात अलग है कि शिल्पा शेट्टी का नाम उनके पति की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल हो रहा है, लेकिन अब जाकर सामने आया है पुलिस स्टेटमेंट। डिप्टी कमिश्नर ने और साथ साथ में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने जो तहकीकात की, इसमें उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि शिल्पा शेट्टी का राज कुंद्रा के इस क्राइम में कोई भी हाथ नहीं है। दरअसल शिल्पा शेट्टी के बिजनेसमैन हस्बैंड राज कुंद्रा के खिलाफ आरोप हैं कि वो वी ट्रांसफ़र के जरिए और कई इस तरह के ऐप के जरिए एडल्ट फिल्में पब्लिश किया करते थे, और दो एक्ट्रेसेस शर्लिन और पूनम ने उनके खिलाफ एलिगेशंस भी लगाए थे। इसके अलावा कई और एक्ट्रेसेस हैं जो उनके खिलाफ एलिगेशंस लगाती नजर आई। राज कुंद्रा जो हैं वैसे तो बिजनेस करते हैं और उनकी अपनी खुद के सोशल नेटवर्क भी हैं, लेकिन उनका इस तरह के मामले में पहली बार नाम सामने आया। इससे पहले वो गोल्ड स्कैम में काफ़ी ट्रॉल हुए थे, और अब राज कुंद्रा को लेकर इस खबर के आने के बाद काफ़ी बवाल खड़ा हो गया है। लोग हैरान हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। इस तरह की बातें सामने आई हैं तो लोग बहुत ज़्यादा अचंभित है कि राज कुंद्रा इस मामले में फंस गए हैं, क्योंकि राज कुंद्रा बाईकुला जेल में 23 जुलाई तक रहेंगे पुलिस रिमांड में, क्योंकि कोर्ट ने अगली पेशी उनकी रखी है। अभी आरोप उन पर लगे हैं, लेकिन अगर दोषी वो साबित किए जाते हैं इस मामले में तो वाकई इसमें इस गैरकानूनी काम को लेकर वो बहुत बड़ी सजा भुगत सकते हैं। इससे तो शिल्पा को झटका लगा ही है, लेकिन शिल्पा का नाम कहीं नहीं है। शिल्पा शेट्टी ने राज के साथ मिलकर कानून को धोखा नहीं दिया है, खुलकर पुलिस ने ये बताया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।